Alright, so hey guys, what's going on? Puttika Swills back with another video, baby. So both लोग ये video के title को देख के और ये बोलेंगे कि comment section में कि ये एक lifestyle vlogging channel है. हम यहाँ पे अलग-अलग videos देखते हैं जो कपड़े वगैरह से related रहते, shopping वगैरह से related रहते. But ऐसा वाला video क्यों boys locker room ऐसा वाला video क्यों? So मैं इसका answer वो simple रखना चाहूँगा. इसका answer ये है कि I have the responsibility, social responsibility towards the small amount of audience that I have, जो इसकी age range around 18 to 20 years की है. So उन लोगों को मैं ये awareness फैलाना चाहूँगा और मैं एक ऐसा platform पे हूँ जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकता हूँ, तो मुझे ये करना बहुत जरूरी है और ये एक ऐसा टाइम है. सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इंस्टाग्राम ग्रुप जिसका नाम था बॉयज लॉकर रूम. सो दिस वाज एन इंस्टाग्राम ग्रुप क्रिएटेड बाय द दिल्ली स्कूल बॉयज जिन्होंने यहाँ पे न्यूज शेयर किए, मॉक पिक्चर शेयर किए, ऑब्जेक्टिफाई किया वुमेन को एंड अलग अलग चीज़ों के बारे में रिलेटेड उनके चैट्स थी और उनके डिजायर्स के बारे में जो बहुत गंदे तरीके से उनको बताया. एंड टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक, दिस इज ऑल रॉन्ग. दिस शुड नॉट हैपन ऑन इन द फर्स्ट प्लेस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी हैव टू एडमिट दिस ऑल थिंग्स आर रॉन्ग. So we'll basically talk about the two things. The first is about the locker room and second is the what is the root of this kind of problems. ऐसे problems क्यों आते हैं हमारे society में और अगर ऐसे problems आते हैं हमको उसे कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए. So ऐसे social media influencer जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे सारे जो stories थे, मेरे जो सारा feed था वो भरा पड़ा था ये boys locker room के वजह से. और ऐसे अलग अलग stories थे, ऐसे अलग अलग feeds थे लोगों ने डाले थे जिसमें यह लिखा था कि स्क्रीनशॉट्स थे और अलग अलग चीज़ें थे जो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी. वो कॉन्सेप्ट ये था कि बॉयज लॉकर रूम में जो चैट हो रहे थे. सो बॉयज टॉकिंग अबाउट गर्ल इज नॉर्मल, बॉयज टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स इन ग्रुप चैट इज नॉर्मल. सो ओनली थिंग दैट वाज नॉट नॉर्मल वाज द उनका टॉकिंग बिहेवियर. वो जिस बारे में टॉक कर रहे थे, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे वुमेन को, अपने डिजायर्स को गलत वे में एक्सप्रेस कर रहे थे और वो न्यूड्स मॉम वगैरह शेयर कर रहे थे, ये चीज़ जो सबसे ज्यादा गलत हो गई. और इस चीज़ से हर एक लड़की ऑफेंड हो रही है, हर एक इंसान ऑफेंड हो रहा है और ऑब्वियसली ये चीज़ गलत है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. इस चीज़ की शुरुआत हुई थी स्क्रीनशॉट से. तो मैं सबसे पहली बात आपको बोलना चाहूंगा, डोंट ट्रस्ट ऑन द स्क्रीनशॉट्स. क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक बंदा स्टोरी शेयर कर रहा है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, तो दूसरा बंदा उसको देख के वही चीज़ शेयर कर रहा है. एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है तो लोग वही स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं. अगर यहाँ पे 100 स्क्रीनशॉट्स जनरेट हो रहे हैं तो 50% उसमें से फेक है गाइस, बिलीव मी दे आर फेक. क्योंकि इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट बनाना या चैट का स्क्रीनशॉट बनाना एक बहुत आसान बात है किसी भी फोटोशॉप यूजर के लिए, या फिर आप तो पिक्सआर्ट पर भी बना सकते हो. अगर कोई भी थोड़ा बहुत फोटोशॉप जानता होगा ये बहुत ज़्यादा आसान है. और मैंने एक स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट देखा जिसके मैंने रिसर्च के हिसाब से और मेरे नॉलेज के हिसाब से वो टोटली फेक था. तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द स्क्रीनशॉट्स आर फेक. सो डोंट ट्रस्ट द स्क्रीनशॉट, जजमेंट पास मत करो बस इस स्क्रीनशॉट्स को देख के. लीगल एक्शन उनके खिलाफ हो रहे हैं, बट अगर आप मतलब ये स्क्रीनशॉट्स को शेयर कर रहे हो तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ये स्क्रीनशॉट्स को प्लीज शेयर मत करो अपने स्टोरी पे, अपने फीड पे शेयर मत करो. क्योंकि ये बस एक ऐसी चीज क्रिएट कर रही है जिनके वजह से उन लोगों की लाइफ अफेक्ट होंगी जो इनोसेंट है. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द माई सेकंड पॉइंट, वो है पब्लिक शेमिंग. उसको ऐसे बोल सकते हैं कि कलेक्टिव ब्लेम. सो ये लड़की लोग में क्या क्या था, मतलब जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे थे, गर्ल्स कॉल आउट देयर नेम पब्लिकली, दे वेर इन दैट ग्रुप वेदर दे वर एक्टिव और नॉट. उन्होंने सबका नाम लिया, उन्होंने सबका यूजर नेम और यूजर नेम का आईडी पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, सबको बता दिया कि ये ग्रुप के मेंबर्स थे. वेदर दे वर एक्टिव और वेदर दे वर नॉट एक्टिव, दे वेर टू बी ब्लेम फॉर दिस. एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज एन यूट्यूबर, एज एन ब्लॉगर, मेरे 8000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, जिसके वजह से मेरे को हर एक वीक में आ रही है, हर एक वीक दो बाद में मेरे को कोई ना कोई ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, जिसके बारे में पता भी नहीं होता. तो मेरे को बस इतना बोलना है कि अगर आपको कोई ग्रुप में ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपका उसको यूजर नेम डालना है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता. तो इसमें ये नहीं बोल सकता कि इसमें मेरा फॉल्ट है अगर मैं उस ग्रुप में ऐड हो रहा है. और अगर मैं उस टाइम पे इनएक्टिव रहता हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कौन से ग्रुप में ऐड हो रहा हूँ. भले ही मैं एक हफ्ते से इनएक्टिव है या दो हफ्ते से इनएक्टिव हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अगर मैं बंद भी कर देता हूँ तो भी वो लोग मुझे ऐड कर सकते हैं और मुझे इस बारे में पता नहीं. सो मैं बस टोटली एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि लड़कियों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऐसे लिखा है कि तुम उस ग्रुप का पार्ट हो, अगर तुमने चैट में पार्ट लिया है, मतलब आधे तो लोग उसमें चैट कर ही नहीं रहे थे, बाकी बंदे चैट कर रहे थे जो ब्लेम के लायक है, जो मतलब ऑब्वियसली गिल्टी है, जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलेगी उनके किए की. बट उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप में थे वो सब वहाँ पे एक पार्ट ऑफ द मतलब वो चीज के थे, वो सब एक पार्ट थे उस चीज के, तो सबको ब्लेम करना चाहिए, सबको मतलब सजा देनी चाहिए, ऐसा लगता है लीगल एक्शन सबके ऊपर लेना चाहिए, जो मेरे को लगता है टोटली रॉन्ग है. इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज उसमें एक इनोसेंट भी फंस सकता है और कोई इनोसेंट का करियर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है टोटली, अगर आप ऐसे पब्लिक शेमिंग कर रहे हो, अगर उसको सब तरफ आप स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहे हो, हर एक का नाम डाल रहे हो. क्योंकि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने भी सबके आईपी एड्रेस मंगाया है, जो मेरे को लगता है टोटली रॉन्ग है. सबके आईपी एड्रेस दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने सबके दिए है क्योंकि उस बंदी ने सबके हर एक के नाम डाले थे जो जो उस ग्रुप का पार्ट था. वेदर अभी होप कर सकते हैं उसमें से एक बंदा नहीं हो सकता उस ग्रुप का पार्ट, तो उसको पता नहीं होगा उसको किसने ऐड किया, वो एक्टिव नहीं होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है.
थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट आप लोग को बताता हूँ कि सरावजीत सिंह को कैसे ब्लेम किया था कुछ ईयर्स पहले की बात है, और उसको 5 ईयर्स लगते हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो इनोसेंट था। तो 5 ईयर्स एक बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर कोई इनोसेंट अगर इस चीज में फंस जाता है तो इमेजिन करो वो एक टीनेजर है, तो लीगल एक्शन तो ले ही जाएगा, और लीगल एक्शन से ये भी प्रूव हो जाएगा कि थोड़े टाइम बाद कि वो उस चीज में पार्ट नहीं था उस चीज का और वो इनोसेंट है। बट इनोसेंट होने तक उसको लोग क्या बोलेंगे, वो एक पर्वर्ट है, वो रेपिस्ट है, लोग उनको डीएम कर रहे हैं, इतने ज्यादा डीएम आ रहे हो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना ज्यादा वायरल हो गया है। संडे को जो टॉपिक निकला था और इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, पूरे ट्विटर पे हैशटैग चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हर तरफ स्टोरी में ये चल रहे हैं। तो आप इमेजिन करो एक टीनेजर है गाइस, एक टीनेजर के सर पे कितना टेंशन होगा अगर उसको ऐसे डीएम जाके, भले वो इस चीज का पार्ट हो या ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर मत करो, और ये मत बस अभी से जजमेंट मत लगाओ इस स्क्रीनशॉट के ऊपर पे कि उन लोग इस चीज के हकदार है या नहीं। ऑब्वियसली उसमें ऐसे चीज, ऐसे लोग है, ऐसे बंदे है, ऐसे गाइस है जिन लोगों ने ये किया, मैंने स्क्रीनशॉट्स पढ़े जो बहुत गंदे तरीके से उन्होंने अपने सेक्सुअल डिजायर दिखे, एंड आई टोटली एग्री कि उनको सजा मिलनी चाहिए। बट मैं ये चीज से एग्री नहीं करता हूँ कि उसके जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पार्ट्स थे, दिल्ली कमीशन वुमेन ने उन सबके आईपी एड्रेस दिए, उन सबको ब्लेम करना चाहिए। सो आई डोंट बिलीव दिस कि सबको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई चीज, कोई बच्चे इनोसेंट भी होंगे। सो आई डोंट एग्री विद दिस। सो पॉइंट नंबर 3 इज ऑल फॉर द सोशल क्लाउड। क्या उन्होंने बस ये फेम के लिए किया था, ये लड़कियों ने बस ये फेम के लिए किया था? तो हम एक बात को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं और वो बात को डिनाई नहीं कर सकते, ना हम ना वो, कि उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज हुए, काफी ज्यादा इंक्रीज हुए, और ये फॉलोअर्स मुझे नहीं लगता कुछ साल बाद छोड़ के आए गए। ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है, बट हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये पॉपुलैरिटी के लिए हुआ है। ना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ना मैं जज कर सकता हूँ, ना आप जज कर सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं कि ये उन्होंने पॉपुलैरिटी के लिए किया गया ना। ये बस ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये स्टोरी डाली थी अपने कुछ फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, बट वो चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गई, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे हम हर एक वो चीज डालते हैं जो हम करते हैं, हर एक ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालते हैं। तो मे बी ये हो सकता है उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाले थे अपने कुछ फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, बट वे बहुत ज्यादा वायरल हो गए और ये बहुत बड़ा सीन बन चुका है, जो पुलिस है ना सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, साइबर सेल वगैरह इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉपुलैरिटी के लिए किया था या फेम के लिए किया था लड़कियों ने। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है इस पर, बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट ले रहे हैं बंदियों का, जो बोल रहे हैं इन्होंने फेम के लिए नहीं किया था, जो हो सकता है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने फेम के लिए किया क्योंकि उनके ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े। अगर आपको पता नहीं तो आप उस बंदी के अकाउंट पर आप जाके देखो, अभी कुछ तो 10K के आपको फॉलोअर्स प्लस हुए, मतलब अराउंड 50K अराउंड फॉलोअर्स होने आए सो इस टॉपिक की वजह से। तो आई गेस ये उसके लिए भी हो सकता है, बट वी कैन नॉट से एट ऑल अबाउट दिस। सो पॉइंट नंबर 4 इज अ ग्रुप चैट द प्रॉब्लम, इज बॉयज ग्रुप चैट द प्रॉब्लम, बॉयज लोग का ग्रुप ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो हमको हमारी सोसाइटी के डार्क साइड को देखना होगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है हमारे सोसाइटी में, वेदर ये छोटी एज के बच्चे बन रहा है जो 16 साल के या 40 से 50 साल के लोग हो, ये चीज एग्जिस्ट करती है हमारे सोसाइटी में। ऐसा हर जगह होता है जहाँ ग्रुप्स में लड़कियों को ऐसे ये किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, अलग अलग डिजायर्स दिखाए जाते हैं। तो हमको ये चीज़ को याद रखना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे सोसाइटी में ऐसे ऐसे चीज़ें रहती है और एग्जिस्ट करती है जहाँ लोग अपने अपने डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ग्रुप्स अलग, मतलब ये ग्रुप्स बनाना, एक ग्रुप का पार्ट होना, क्या ये चीज़ गलत है? तो इस ग्रुप का पार्ट होना या इस ग्रुप में हमको बात करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम उसको गलत वे में बात करते हैं, उसको गलत वे में लेते हैं। लड़कों का लड़कियों के बारे में बात करना नॉर्मल है, लड़कियों का लड़कों के बारे में बात करना नॉर्मल है, बिकॉज वी ईच आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, मतलब गर्ल्स बॉयज को अट्रैक्टेड है, बॉयज आर अट्रैक्टेड टू वर्ड्स द गर्ल्स। बट अगर ऐसे अपने डिजायर्स एक्सप्रेस करना, रेप्स वगैरह के रिलेटेड बात करना, फिर बाद में ऑब्जेक्टिफाई करना किसी वुमेन को, अपने डिजायर्स को ऐसे गलत में दिखाना, ये चीज़ गलत है। तो अगर आप ग्रुप चैट के एक मेंबर हो, अगर आप ग्रुप चैट में हो, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, तो आपको एक चीज़ करना होगा, आपको यू हैव टू कॉल आउट द पर्सन। कॉल आउट द पर्सन से मेरा मतलब है, अब थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं एक ग्रुप में हूँ, ऑब्वियसली हम बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होते हैं, मैं कॉलेज के ग्रुप में, और उस कॉलेज के ग्रुप में एक बंदे ने बहुत सारे पॉन के लिंक्स भेजे थे और बहुत सारे पॉन भेजे थे। तो मैं उस चीज़ को देखकर खुद शॉक हो गया था और मेरा खुद का टेंपर बहुत खिल गया था, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए वहाँ पे नहीं था, वो कॉलेज का ग्रुप था, वहाँ पे हम बात करते हैं। सो बट यहाँ पे एक सीन हुआ, यहाँ पे एक बंदे ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसको बोला कि ये ग्रुप किस रिलेटेड है और उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उसने उसको कॉल आउट किया और उसको उसने समझाया। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा, तो अगर आप ऐसे पार्ट हो ग्रुप के जहाँ पे ऐसे बातें होती है, तो आपको उस बंदे को कॉल आउट करना चाहिए, ना कि उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल के सोशल मीडिया पर डालना चाहिए फेम एंड ऑल के लिए। फेम एंड ऑल की हम बात नहीं करके जैसे बोला, ये डिस्कशन बहुत अलग में चल जाएगा। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि आपको उस बंदे को अलग से समझाना चाहिए, प्राइवेटली मैसेज करना चाहिए,
अगर वो नहीं हो सकता तो आपको उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर आप जो ग्रुप के साथ हैंग आउट करते हो आपके आपके अंदर जो क्वालिटीज होती है, तो इससे अच्छा अगर आप उन चीज़ को समझा सकते हो तो ठीक है, नहीं समझा सकते हो तो उससे दूर चले जाओ, बट इन चीज़ों के पार्ट मत बनो जहाँ पे लोग वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं एज ए मटेरियल, उनके डिजायर गंदे में दिखा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ का पार्ट हो तो प्लीज़ इन सबसे दूर हो जाओ। और अगर आप ऐसे किसी बंदे को देखते हो या किसी गाय को देखते हो, अपने फ्रेंड को देखते हो, तो उसको समझाओ, उसको बोलो, उसको एजुकेट करो ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स नॉट फेयर। और बात करते हैं कि लाइक मेरे भी पेरेंट्स मेरे को आए दिन समझाते रहते हैं वुमेन की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों की कितनी ज़्यादा इज्जत होती है हमारे घर में, हमको पता है। वी हैव सिस्टर, वी हैव मदर, वी ऑल नो द रिस्पेक्ट अ वुमेन हैज। सो आपको ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको दूसरों को भी समझानी है, एक अवेयरनेस फैलानी है, बट इन चीज़ों को आपको ऐसे पब्लिकली जाकर शेमिंग नहीं करनी है, बिकॉज एट लास्ट चेंज बिगेंस खुद से ही चेंज आता है, खुद से ही चेंज आता है, एक दूसरे से बात करने से चेंज आता है, एक दूसरे को एजुकेट करने से। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है उनको एजुकेट करो, उनको बताओ, तब जाके सोसाइटी में अच्छी चीज़ें क्रिएट होगी, अच्छे चेंज आएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, पता नहीं अभी एक दो ग्रुप आ रहा है, बट मैं भी ऐसे ग्रुप्स में बोल नहीं सकता पार्ट था, बट मैंने भी ऐसे ग्रुप्स में एक्सपीरियंस किया बहुत सारे, जहाँ पे लड़कियों को वुमेन को ये किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। सो मैं बोलूँगा आप एजुकेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाओ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे हम अभी देख ही रहे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उन लोगों पे। एंड अगर आप नहीं कर सकते तो डोंट बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप्स, क्योंकि चेंज हमारे खुद से आता है। सो ये बोलूँगा एजुकेट करो, और जब तक मेरे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जब तक मेरे पास आप लोगों, और मैं चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर हमेशा इन चीज़ों से अवेयर रहे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो बनाने का बाकी कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं खुद आज जो रोज़ा रखा हूँ एंड आई हैव बीन थर्स्टी, मेरे को बात करने नहीं हो रहा है, फिर भी मैं रुक रुक के बात कर रहा हूँ कैसे कैसे, क्योंकि मेरा रमज़ान में रोज़ा चल रहा है, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक ईद में नहीं होता, क्योंकि मेरे से नहीं होता। बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक मेरे पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जब तक मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, जब तक मेरे पास सक्सेस चैनल है, तो मैं आप लोगों को इस बारे में बताते रहूँगा। आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को एजुकेट करो, जितना ज़्यादा हो सकता है इन चीज़ों के बारे में बात करो, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बात करने से होगा चेंज आएगा इस सोसाइटी में। बस ऐसे मत करो कि सोशल मीडिया पे जाओ, लोग जो कर रहे हैं उसको फॉलो करो, देख रहे कि बंदे ने स्क्रीनशॉट डाला, मैं भी डालता हूँ, क्योंकि स्टोरी सब डाल रहे हैं तो मैं भी डालूंगा, बस ये चीज़ मत करो, सब कर रहे हैं इसलिए आप भी करो, स्टोरीज वगैरह मत डालो ऐसे ज़्यादा जिसमें स्क्रीनशॉट हेटरेट फेल होगा, पब्लिक शेमिंग, क्योंकि पब्लिक शेमिंग एक नॉट एन ऑप्शन है, मतलब ये चीज़ सुधारी नहीं जा सकती। जैसे बोल सकते हैं रेपिस्ट को मारने से रेपिस्ट कम नहीं होंगे, रेपिस्ट को सजा देने से रेपिस्ट कम नहीं होते, क्योंकि रेपिस्ट कम तभी होंगे जब हम चेंज लाएंगे, ऐसे लोग तभी कम होंगे जब हम चेंज लाएंगे, और चेंज एक ही तरीके से आ सकता है, लोगों को एजुकेट करने से आ सकता है या लोगों को इसके बारे में समझाने से आ सकता है। सो जैसा मैंने बोला, आप लोग समझा सकते हो लोगों को ऐसे ग्रुप्स में, तो उन लोगों को बताओ ऐसे ग्रुप्स का, मैं ऐसे सब चीज़ें मत करो, उनको एजुकेट करो। जैसे मैंने बोला था हमारे ग्रुप में बंदे ने फोन वगैरह डाला था, तो एक दोस्त ने उसको समझाया, तो उसने हमारे ग्रुप में तो बंद किया फोन डालने से, पता नहीं दूसरे ग्रुप में डालता है, बट हमारे ग्रुप में वो नहीं डाल रहा था। तो ऐसे अगर आप ऑल आउट करोगे, स्टैंड लोगे, समझाओगे, तो ये चीज़ें खत्म हो सकती है। बस मैं यही बोलूँगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर मत करो, हेटरेट मत फैलाओ, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जो इन चीज़ों से जा रहे हैं हमको अभी तक पता नहीं, लीगल अथॉरिटीज़ अभी इसमें काम कर रही है, हाँ होप करते जल्दी हमको सबको रिजल्ट्स मिलेगा क्या सच है क्या नहीं। और उस बंदी के बारे में बोल दो कि बोल रहे हैं कि उस बंदी ने भी, मतलब वो बंदी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उस बंदी के भी अलग अलग स्क्रीनशॉट सब आप देख रहे होंगे, जिसमें वो बहुत एक बंदी को कितने बुरी तरीके से कुछ बोल रहे हैं, बट हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट उसके साथ जो हुआ है, इसका मतलब उसने जो किया है उससे ये नहीं बोल सकते कि उसके साथ जो हुआ वो सही है, उसके साथ जो हुआ वो गलत था, उसने जो किया, जो गंदी को उसने बोला है, क्या क्या बहुत गंदे गंदे तरीके से बोला है, उसके भी स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं वो बंदी ने बहुत एक बंदी को बहुत गंदे तरीके से क्या 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 ब्लेम किया, फैट एस एंड ऑल बहुत क्या क्या बोला था, तो वो बंदी भी रहोंगे कहीं ना कहीं। एंड बोलते हैं कि ताली दो हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। सो मे बी उसका भी फॉल्ट होगा इस चीज़ में, अभी कान से दी अगर इस चीज़ बात करेगा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप अगर चीज़ सबके पार्ट हो तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, ऐसे शेयर वगैरह मत करो, सेफ रहो घर में, बस टिल देन कीप पीस, कीप वॉचिंग एंड बी अ मैच्योर।